सो गाइस फिर से आप सभी के लिए धमाकेदार वीडियो लेकर आ चुका हूं। दोस्तों फ्लिपकार्ट पे एक नया सेल दोस्तों लाइव स्टार्ट हो गया। उस सेल का नाम है फ्लिपकार्ट ईयर इन सेल। दोस्तों ये 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक सेल चलने वाला है, जिसमें आपको भाई दो बैंक पे ऑफर मिलेगा। एक है बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसी बैंक, जिसमें आपको 10% तक आपको यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिलेगा। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था भाई इसी मंथ के लास्ट तक में आपको ईयर इन सेल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको जबरदस्त सा बैंक ऑफर देखने को मिलेगा। मैंने आपको बैंक ऑफर भी बताया था लगभग में कि आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक का मिल सकता है, लेकिन फाइनली गाइस यहाँ पे आईसीआईसी बैंक का बैंक यहाँ पे ऐड कर दिया गया, जिसमें आपको दो बैंक लेकिन बताया जा रहा है, लेकिन एक बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसी बैंक, जिसमें आपको 10% तक आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा, यानी जबरदस्त के साथ आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस सेल में कौन कौन से मोबाइल लिस्टिंग है, कौन कौन से लैपटॉप लिस्टिंग है, पूरा भाई पूरी से बताने और कितना बैंक आपको ऑफर मिलेगा, तो वीडियो भाई शुरू से लास्ट देखना। ये वीडियो देखने में बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट ऐप में आ गया हूँ, आपको यहाँ पे इस टाइप से इंटरफेस मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ देखो साफ साफ यहाँ देखो भाई टीजर पे आ चुका है ईयर इन सेल का, और भाई ये 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक सेल चलने वाला है, यानी भाई कितना दिन तक सेल चलने वाला है, यानी एक सप्ताह तक भाई ये सेल चलने वाला है, जिसमें आपको दो बैंक पे ऑफर बता रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसी बैंक का। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड रहेगा तभी दोस्तों यहाँ पे आपको 10% तक आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है या एटीएम कार्ड है तो दोस्तों आप जरूर ट्राई करना, अगर आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा तो बेस्ट है। चलिए देखते हैं कि इस सेल में कौन कौन से मोबाइल यहाँ पे लिस्टिंग किया गया। तो गाइस आप यहाँ देखो Realme का C30 आप देखो आपको 5749 रुपये बताया जा रहा है, पोको का C31 आपको यहाँ पे 6499 रुपये बताया जा रहा है, और भाई यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से मोबाइल पे कितना तक आपको बैंक ऑफर मिलेगा। चलो भाई यहाँ पे Samsung का मैं देखता हूँ, और मैं दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मोबाइल को साइलेंट कर लेता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा नॉइस आ रहा है। और गाइस यहाँ पे देखो यार Samsung का है जो कि कितना जीबी है, 6 जीबी और 128 जीबी, आपको यहाँ कितना प्राइस शो कर रहा है, 16,889 रुपये है। अब चलिए 4 जीबी और 128 जीबी बात करते हैं, 14,000 रुपये यहाँ पे प्राइस बताया जा रहा है, और आपको बैंक ऑफर के साथ कितना तक मिल जाएगा वो भी भाई आपको लाइव प्रूफ साथ दिखाने वाला हूँ। अगर आप बैंक ऑफर के साथ अगर आप नहीं ऑफर लूटे तो आप ऑफर के लूट सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बैंक ऑफर की बात करते हैं, तो दोस्तों आप देखो यार यहाँ पे देखो बैंक ऑफर चेंज है, ठीक है। यहाँ पे फिनरल बैंक बताया जा रहा है कि 1400 रुपये आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा फिनरल बैंक पे, ठीक है। इसमें आपको बैंक ऑफ बड़ौदा और ICICI बैंक ऑफर एड नहीं है, ठीक है। चलिए और दिखाते हैं कौन कौन से मोबाइल यहाँ पे दिया गया। एक देखते हो पोको का C31 देखता हूँ, और यहाँ पे एक 6400 रुपये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। और ये 6400 जो कि 3 जीबी 32 जीबी है, और बैंक ऑफर लगा कर आपको कितना मिल जाएगा, 650 रुपये डिस्काउंट देकर 5849 रुपये को ये मोबाइल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ICICI बैंक ऑफर एड नहीं किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आप अपने अनुसार से चेकआउट कर लेना, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ और कौन कौन सा मोबाइल चेकआउट करा दूँ। चलो मैं एक मैं ले लेता हूँ Realme का 10 Pro 5G ले लेता हूँ, और ये 19,000 रुपये 6 जीबी और 128 जीबी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो एक्सिस बैंक का है कार्ड पे है, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का 950 रुपये है, लेकिन अभी तक बैंक ऑफ बड़ौदा और ICICI बैंक यहाँ पे ऑफर नहीं बता रहा है। चलो और देखते हैं कौन कौन से मोबाइल पर, और यहाँ पे देखते हैं अगर मिल जाए तो अलग बात है। रेडमी का नोट 11 SE देखते हैं, 11,000 रुपये दाम है, 4 जीबी 64 जीबी का, और ICICI बैंक एड है नहीं भाई, ICICI बैंक इसमें भी एड नहीं है। SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड पे 500 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि ये भी बकवास होने वाला सेल है, क्योंकि कोई खास लग रहा है ऑफर नहीं मिलेगा क्या मोबाइल पे। चलो दिखाई देता हूँ कि और क्या हकीकत है कि सच है कि पूरा आपको दिखाने वाला हूँ, वो भी लाइव प्रूफ साथ। 13,000 रुपये दाम है 6 जीबी और 128 जीबी का, और ICICI बैंक ऑफर भाई यहाँ पे देखो ICICI बैंक ऑफर एड ही नहीं है, सोचो यार ICICI बैंक का एड ही नहीं है। और आज कितना तारीख है, 24, लेकिन आज से ही सेल लाइव स्टार्ट है ईयर इन सेल। लेकिन यार देखो यार ICICI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा लेकिन बताया जा रहा है, लेकिन बैंक कार्ड ऑफर बता ही नहीं रहा है, तो इन केस में लग रहा है कि यार क्या हो रहा है फ्लिपकार्ट पता नहीं। आप ट्राई करते रहना। चलो आईफोन दिखाता हूँ, आईफोन पे कितना तक हो रहा है, आईफोन 11 दिखाता हूँ, और 40,000 रुपये दाम है, कितना जीबी रैम है, 64 जीबी वाला है। और यहाँ पर देखो एक्सिस बैंक का फिर देखो यार 2,000 रुपये, एक ही बार में एक बार भी नहीं देखा हो कि ICICI बैंक और यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पे बैंक कार्ड ऑफर बताएं। तो गाइस आप यहाँ पर देखो यार क्या हो रहा है फ्लिपकार्ट, ऐसा क्यों कर रहा है पता नहीं। तो लगता है कि फ्लिपकार्ट लगता है ऑफर नहीं देगा क्या ICICI बैंक पे। चलो फिर से दिखता हूँ, दूसरा मोबाइल देखता हूँ और यहाँ पे देख रहा हूँ, और गाइस आप यहाँ पे देखो HDFC बैंक पे भाई नाम का खाली यहाँ पे ऑफर बताया जा रहा है ICICI बैंक का और बैंक ऑफ बड़ौदा, खाली नाम का है, खाली बैनर चिपका दिया कि ICICI बैंक का ऑफर मिलेगा और बैंक ऑफ बड़ौदा का, लेकिन मोबाइल वहाँ पे शो ही नहीं कर रहा है। यार क्या कर रहा है फ्लिपकार्ट वाले पता नहीं। आप देखते हैं इस मोबाइल पे ऑफर शो कर रहा है कि नहीं हो रहा, इस पे भी देखो नहीं शो कर रहा है, क्या हो रहा है फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है, बकवास कर रहा है, मैं तो इसको बोलूँगा बकवास बोलूँगा, क्योंकि यार देखो ऑफर ही बता दे रहा है, क्या कर रहा है फ्लिपकार्ट पता नहीं। चलो यार मोबाइल को छोड़ो बात, अब मैं दूसरा प्रोडक्ट लेता हूँ, लैपटॉप लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक पे। तो इलेक्ट्रॉनिक पे देखो यहाँ पे ये सब बैंक पे ऑफर बताया जाए। चलो एक लैपटॉप में दिखा देता हूँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, रियलमी का बुक देखता हूँ और कौन से बैंक पे ऑफर मिल रहा है। तो गाइस आप यहाँ पे देखो
डिटेल्स वाले में ऑप्शन क्लिक करता हूँ, इसमें भाई कोटक महिंद्रा बैंक ऑफर बताया जा रहा है, फिनरल बैंक का, और यहाँ पे देखो बड़ौदा बैंक का डेबिट कार्ड बताया जा रहा है, कोटक बैंक का, ठीक है, बताया जा रहा है, ठीक है। इसमें भी भाई यहाँ पे ICICI बैंक का एड ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी मैं बताता हूँ कि इसमें भी बैंक को यानी ICICI बैंक को एड नहीं है, कभी बैंक ऑफ बड़ौदा का दिखाया था, ठीक है। तो गाइज आप अपने अनुसार से चेकआउट कर लेना, क्योंकि भैया मेरे को लग रहा है कि खाली नाम का है सेल है, क्योंकि यार चिपका दिया एड इन सेल, हो सकता है आपको एक दो दिन वेट करो, क्योंकि भाई 31 दिसंबर तक सेल रहने वाला है, आप एक दो दिन वेट कर लो। अगर आपको ICICI बैंक का एड नहीं बता रहा है तो हो सकता है भाई फ्लिपकार्ट कहीं अपडेट कर दे, वो अलग बात है, लेकिन अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं अभी बोलूँगा कि अभी यार देखो बैनर चिपका दिया बैंक का, लेकिन वो बैंक ऑफर बता ही नहीं रहा है, तो आपको भाई चेकआउट कर लेना, ठीक है। आप वेट कीजिए एक दो दिन, अगर आपको नहीं बता रहा है तो हो सकता है भाई फ्लिपकार्ट वाले ने कस्टमर को साथ चुतिया बना रहा है कि ICICI बैंक का यहाँ पे ऐड कर दिया, लेकिन वहाँ पे ऑफर ही नहीं शो करा है। तो ये छोटा सा को जानकारी देना था कि फ्लिपकार्ट पे एक नया सेल लाइव स्टार्ट हो चुका है, ईयर इंड सेल, जिसमें आप यहाँ पे 10% तक ऑफर के लाभ उठा सकते हैं। वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को बटन दबा सब्सक्राइब कर लेना। चल दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।